भगवान लौकिक और अलौकिक बाप से वस्त्र मिलता है, तो अलौकिक बाप से वस्त्र नहीं मिल जाते, अलौकिक बाप तो पहले पहले नरस नारायण बनता है। अलौकिक माने जो इस लोक का नहीं है, लौकिक होगा तो इस लोक में उसका शरीर होगा या नहीं होगा, होगा, और अलौकिक होगा तो इस लोक का शरीर नहीं होगा। इस साकार शरीर में भी रहते आत्मा कभी अलौकिक बन सकती है या नहीं है? बन सकती है। इस लोक की कोई भी लोक लाज याद न रहे, इस लोक का जैसे भान ही न रहे, इस लोक के देह और देह के संबंधियों का भान स्मृति में ही न आए, तो हो गया अलौकिक। और जब देवान में है तो कहेंगे प्रजापिता। इसलिए प्रजापिता को पतित कहेंगे या पावन कहेंगे, पतित। और शंकर को, शंकर को तो कोई भी पतित नहीं कहेगा, वो तो फरिश्ता है, परंतु शंकर से वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा किससे मिलता है, है? ना प्रजापिता से मिलता है, पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है, परंतु पारलौकिक बाप बिंदी बन के वर्षा नहीं देता है। साकार पति तन में आकर के वर्षा देता है। तो वर्षा या तो लौकिक बाप से मिलता है या और बाबा इसलिए बोला गया कि बाप वर्षा देवा ना दे, उनको दादे का वर्षा लेना। दादे का मतलब है बाप का बाप, हमारा बेहद का बाप कौन है, है? तो बाबा बेहद का बाप, हमारा बेहद का बाप दो है, एक आत्माओं का बाप, एक मनुष्य सृष्टि का बाप। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो 21 जन्म का वर्षा देने वाला नहीं है क्या? देता है क्या? वो 21 जन्म का वर्षा नहीं देता। जो बेहद का आत्माओं का बाप है वो 21 जन्म का अविनाशी वर्षा देता है, और जो मनुष्यों का बाप है वो द्वापर में भी जो भी धर्म स्थापन होते हैं, उन धर्मों में जो भी राजाइयां और राजधानी स्थापन हुई है, उन राजधानियों में सिक्का जमाने का काम उस बेहद के लौकिक बाप का है, परंतु वो विनाशी वर्षा है। 21 जन्म की सुख शांति का अविनाशी वर्षा नहीं कहेंगे। और बाप दादा फांसी बांध जाएंगे, बाप दादा दोनों फांसी बांध जाएंगे, और शिव बाप साक्षी बन जाएंगे। तो शिव बाप तो साक्षी बनेगा ही, शिव बाप माने बिंदी, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप साक्षी होके परम धाम 5,000 साल बैठता है, सिर्फ संगम में आता है। और रामकृष्ण की आत्मा हम लोग तो साथी बन करके रहेंगे। तो 2036 का पहले यानी साथी बन के रहेंगे, अभी भी साथी नहीं है, अभी भी साथी है, दादा नहीं है उसमें प्रवेश। तीन बाप दादा, दो बाप दादा और एक बाप तीन, हाँ तीन हो गया। तो एक तो साक्षी है हमेशा, और एक जो बाप है मनुष्य शक्ति का वो अभी भी साथी है,
और आगे भी साथी बन करके रहेगा। सदा कायम मतलब शिव बाबा रहेगा इस सृष्टि पर, सदा कायम एक शिव बाबा ही है, शिव बाप सदा कायम नहीं है। जो सदा कायम है वो निराकार और साकार का मेल है। निराकार आत्मा होती है और साकार शरीर होता है। 21 जन्म में भी सके वो शरीरधारी मौजूद होगा और 63 जन्म में भी वो शरीरधारी मौजूद होगा, वो है ही ऑलराउंड पार्टधारी। इसलिए बोला क्या सदा का साथी बाबा सदा कायम रहते हैं ना, शिव बाबा का जो रथ है। शिव बाप सदा कायम नहीं रहता, जो शिव बाबा है साकार और उसमें निराकार आत्मा जो बाप समान बनती है। कौन सी आत्मा? भक्ति मार्ग में तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। क्या सभी आत्मा सो परमात्मा? परम पाठधारी होती है क्या? परम पाठधारी माने हीरो पाठधारी। सभी आत्मा तो हीरो पाठधारी नहीं होती। आत्माओं के बीच में सिर्फ एक ही आत्मा है जो बाप समान पार्ट बजाती है। जब बाप समान पार्ट बजाती है तो उसका नाम एक ही देवात्मा है जिसका नाम शिव बाप के साथ जोड़ा जाता है, और कोई भी देवात्मा नहीं है जिसका नाम बाप के साथ जोड़ा जाता है। और बोला ब्राह्मण मतलब बाप से प्यार मतलब ब्राह्मण परिवार से प्यार इसका मतलब बाप सुखी। कोई एक परिवार है उस परिवार में एक बाप है और 8-10 बच्चे हैं। 8-10 बच्चों का कोई दुश्मन हो और उन बच्चों के बाप को प्यार करे तो क्या ये कहा जाएगा कि वो वास्तव में बाप को प्यार करता है? ऐसे यहां भी बाप है आत्मा और उसके बच्चे भी आत्मा। आत्म की स्थिति का पुरुषार्थ करने वाले 84 जन्म लेने वाले, तो कोई ये कहे कि हम तो बाप को प्यार करते हैं, बाप का जो आत्मिक परिवार है रूहानी परिवार है हमें उससे कोई लेना देना नहीं, तो देह अभिमानी है ये आत्मा है, देह अभिमानी है। सभी कोई अपनी जाति से प्यार करता है क्या? बंदर भी होते हैं ना, जब दूसरी जाति वाले जानवरों से युद्ध होता है तो सारे बंदर मिलकर के एक हो जाते हैं। हम जिंस को कोई छोड़ता है क्या? तो ये भी रूहानी परिवार है, आत्मा का परिवार है, आत्मिक स्टेज में रहने वालों का परिवार है। आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई का परिवार है। कोई ये कहे कि हमको इन आत्माओं से प्यार नहीं है, सारी मनुष्य शक्ति की आत्माएं हमारी भाई हैं, परंतु वास्तव में क्या वो भाई हैं या सदाकाल भाई रहेंगे? भाई भाई के रूप में प्रैक्टिकल पार्ट बजावे तो कहेंगे भाई, और पार्ट न बजावे
विपरीत बुद्धि बन जावे, बाप का नाम बदनाम कर देवे। तो भाई भाई किस बात के? और बाबा मंदिर मस्जिद गिरजाघर तो आप चले जाएगा, एक ही बड़ा मंदिर रह जाए। ये बड़ा मंदिर किसका ही है? लक्ष्मी नारायण या बाबा? एक बड़ा मंदिर वो होता है जिसमें बड़ा बाप ही सब कुछ है। क्या? उस मंदिर में बाप ही बैठा हुआ है, बाकी सब उसकी चिरौरी करने वाले हैं। सब उसको मानने वाले हैं। शिव बाप शिवालय में होता है, आलय माने घर। जो भी पुराने पुराने मंदिर हैं, उन मंदिरों में यादगार बनी हुई है, बीच में शिवलिंग और आसपास चारों तरफ दीवारों में देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। सब किसको देख रहे हैं? किसका दर्शन करने में लगे हुए हैं? एक बाप को देखते हैं। एक बाप, दूसरा न कोई। आया तो गीता का भगवान संगम युगी कृष्ण, संगम युगी नारायण, या सतयुग का कृष्ण या सतयुग का नारायण? संगम युग में ही ऊंचे से ऊंचे पद बनता है। संगम युग को ही पुरुषोत्तम युग कहते हैं। संगम हुई वह युग है जिसमें ऊंचे से ऊंच बाप से ऊंच वर्षा मिलता है। सतयुग में पहला पत्ता कृष्ण को जो वर्षा मिलेगा उसको ऊंचे से ऊंच वर्षा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो वर्षा सुप्रीम सोल बाप से नहीं मिलता डायरेक्ट। किससे मिलता है? है? भगवान भगवती का जो टाइटल लेता है उससे मिलता है। एक ओरिजिनल भगवान और एक टाइटलदारी भगवान, प्राप्ति में फर्क होगा कि नहीं होगा? फर्क हो जाता है। और बाबा प्रकृति के जो पांच तत्व है तो उसका मुखिया, एक बात में सुना प्रकृति को कहा गया मुखिया। प्रकृति पांच तत्वों का संघात को कहा जाता है प्रकृति। जैसे रावण कहा जाता है तो पांच विकारों के संघात को माया रावण कहा जाता है। माया रावण कोई एक नहीं है, कितने मुखे हैं? पांच मुखे हैं। रावण के दस मुख दिखाए जाते हैं ना, पांच विकार वो पुरुष मुखे हैं और पांच स्त्री मुखे हैं, उनको कहते हैं मंदोदरी के मुख। कैसी उदरी? मंदोदरी। उदर माने पेट, जिसका बुद्ध रूपी पेट मंद है। कैसा मंद है? कि भगवान के साथ लंबे समय तक रहने के बावजूद भी भगवान को नहीं पहचान पाती, तो मंद बुद्धि कहे या तीक्ष्ण बुद्धि कहे? मंद बुद्धि। उस प्रकृति के पांच तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। उनमें पृथ्वी तत्व मुख्य है,
जैसे रावण के पांच विकारों में काम विकार मुखिया है, ऐसे पृथ्वी भी मुख्य है, मुखिया है पांच तत्वों का। और तत्वों में सभी तत्वों की प्रधानता हो या न हो, लेकिन पृथ्वी में पांचों ही तत्व होते हैं। और लेकिन बाबा जो अश्वदेव है ना, उसको बोला वायु देवता, पवन देवता, ऐसा ऐसा भाभी बोलता है, तो वो जो भी देवताएं हैं, उन देवताओं के लिए ही शास्त्रों में लिखा हुआ है कि रावण ने देवताओं को अपनी पाटी से बांधा हुआ था, चारपाई की पाटी से। उनको इशारा करता था, ये काम करो, वो काम करो, और तुरंत करने के लिए मजबूर थे। आखिरी जन्म में ऐसा हो जाता है क्या? वो वायु देवता, वो अग्नि देवता, वो पृथ्वी देवता रावण के क्या बन जाते हैं? दास दासी बन जाते हैं। आखिरी जन्म में दासत्व स्वीकार कर लेते हैं, बाकी बाप किसी का दासत्व स्वीकार नहीं करता। तो पांच तत्वों से उसके साथ कैसे लिंक होता है? पांच तत्वों के साथ हाँ? जो अश्वदेव उसका लिंक कैसे होता है? वो असल तो उसके ऊपर बीज तो है। अब कभी तो 108 में तो लास्ट मुखिया, लास्ट मुन का, उसके साथ लिंक कैसे होता? 108 में जो एक है वो तो रावण का भी बाप है और पृथ्वी का भी पति है। बाकी जो सात हैं वो कन्वर्शन में आ जाते हैं, आधीन हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, प्रजा बन जाते हैं, दास दासी बन जाते हैं। और बाप के साथ ओती प्यार रहा है, क्या तैयार रहे? बाप के साथ ओती प्यार रहा है, यही है प्यार। लव कहा जाता है जो विनाशी न हो, कैसा हो? अविनाशी हो। वो अविनाशी लव अंत समय का गायन है या अभी का गायन है? है अभी का गायन नहीं है, अभी तो माया घड़ी घड़ी हिलाई देती है। अभी अभी बाप की तरफ प्यार पैदा होता है और अभी अभी माया संशय बुद्धि बनाई देती है, तो लगातार प्यार अभी नहीं रह सकता। बाप बनना ही बाप का सब प्यार है। बाप है शिव बाप, और शिव बाप के साथ लव में सदा काल के लिए लीन एक हो पाता है, इसलिए उसका गायन है कौन सा लव? लवलीन तो है, लेकिन शास्त्रों में उसका किस रूप में गायन है? एक लव्य है, एक को लव करने वाला, और कोई को प्यार करने वाला नहीं है। संपन्न बनता है एक, और बाकी सब आठ से कम होता है, फिर भी बाबा आठ को बाबा के सर पर रखते हैं, उसको ऊंचा रखते हैं। इसमें तो आठ को जो सर पर रखने वाला है वो शिव के लिए है या शंकर के लिए? शंकर के लिए। सर माथे पर चढ़ाने वाली बात जो है वो शिव के लिए लागू होती है या शंकर की आत्मा के लिए लागू होती है?
सर माथे पर कौन चढ़ा के रख सकता है? एक शिव ही है जो सदैव सर माथे पर चढ़ा कर रखता है। शंकर वाली आत्मा आखिरी जन्म में नास्तिक बन जाती है, इसलिए मुरली में बोला है भारत इस समय पूरा नास्तिक है। एक सुपरस्टिशन बनता है वो तो फॉर्म होता है, तो इसमें तो एक झूठा होगा एक सच्चा होगा, मरवा तो है ही। अपना पूरा सच्चा पोता मेल देने वाला कोई कोतों में एक है, इससे क्या साबित हुआ? बाकी अपना पूरा सच्चा पोता मेल नहीं देते। और सुप्रीम सोल बाप जो एवर प्योर एवर ट्रुथ है, उस सत्य बाप को क्या प्रिय है? सच्चाई प्रिय है। सत्य खंड आकर के स्थापन करता है सतयुग। तो जो दिल को खोलता है और जितना खोलता है, बाप ये नहीं देखता कौन कितना पतित है, कौन कितना गंदा है, कितने अवगुण भरे हुए हैं, क्या देखता है? सच्चाई देखता है। इसलिए एक सच्चा, उसकी यादगार में कौन सी कथा है? वो सत्यनारायण की कथा, सुप्रीम सोल की कथा है, या सुप्रीम सोल जिस मुकर्र रथ में प्रवेश करता है उसकी कथा है? मुकर्र रथधारी की यादगार है, सुप्रीम सोल के लिए नहीं कहेंगे कि वो झूठ की दुनिया से मुकाबला करता है। कौन करता है मुकाबला? शरीरधारी को मुकाबला करना पड़ता है। सुप्रीम सोल की ग्लानी और महिमा का कोई मतलब ही नहीं। बाबा का सब सर्व समुद्र रास्ते का कहते हैं। कोई संबंध ऐसे होते हैं जिनके लिए वफादारी बहुत जरूरी होती है। जो वैश्याएं होती हैं वो वफादार नहीं होती है। जिसके साथ संबंध सर्व इंद्रियों से जोड़ती हैं वो दूसरों को भी बताती, इसके साथ हमने ऐसे किया, उसके साथ हमने ऐसे किया, तुम भी ऐसे करोगे, उसको वफादारी कहेंगे या बेवफा? सर क्यों हिला रहे? हाँ बाबा, जिसको मंदिर के नाली के पास बैल देखते हैं, बैल तो बोमक है, नाली के पास देखते क्यों है? हाँ? बैल पार्ट किसका है? ब्रह्मा बाबा का। और नाली पुरुष तन को कहेंगे, लिंग को कहेंगे, या लिंग जिसमें स्थापित है, जिसका आधार लिया हुआ है, वो नारी के स्वरूप का द्योतक है। लिंग है पिता और जलाधारी है माता। वो जलाधारी सतयुग में नाली नहीं होती है, और कलयुग अंत में सब पतित हो जाते हैं। चलो इंद्रियों से भी विचारी न बने, स्थूल इंद्रियों से, लेकिन राधा को भी आंखों से भी विचारी रावण बना देता है, ऐसा झूठा ज्ञान सुनाता है। क्या झूठा ज्ञान? कि दृष्टि से शक्ति सुधरती है, बैठ करके संदली पर राधा की आत्मा भी जाति जाति के पुरुषों को दृष्टि देना शुरू कर देती। तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। अरे डायरेक्शन की ब्रह्मा बाबा दिया था। अच्छा, किसी मुरली में है? ये मनमत, ये प्रश्न तुम्हारी मनमत में उतर रहा है? कहीं मुरली में प्रूफ है? तो बिना प्रूफ और प्रमाण के क्यों बोलते?
ब्रह्मा बाबा के ऊपर इतना इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? माँ इसके लिए मुरली में बोला है, माया मुख से बोल करके नहीं कहती है, कर्म ऐसे करते हैं, ऐसे कर्म करेगी हमें देख करके दूसरे भी कर्म करना शुरू कर दे। बड़े बच्चे जैसा कर्म करेंगे बड़ों को देखकर, छोटे बच्चे भी करेंगे। माया छोटी बेटी है या बड़ी बेटी है? बड़ी बेटी है। बाप की बेटी भी है और बाप का बेटा भी है। बेटा कौन है? हैं? प्रजापिता। और बेटी कौन है? माया। हाँ? ध्रुव तारा और बृहस्पति विश्वपति तो उसके साथ ही लिंक है। ध्रुव तारा और बृहस्पति सितारों में 500 करोड़ सितारों के बीच में निश्चल रहने वाला ध्रुव तारे की यादगार है। और जो भी सितारे हैं वो सब चलायमान है, हिल जाते हैं, माया हिलाई देती है। एक सितारे को हिलाए नहीं सकता कोई, माने निश्चय बुद्धि है, अचल घर की यादगार है। तो जो अचल है अडोल है वो 500 करोड़ पार्ट बजाने वाले सितारों में एक सितारा है, फिर उनमें से चुनाव होता है, सितारों में से चुनाव होता है। तो कोई 8 की लिस्ट में आते हैं, 8 और 9 की लिस्ट में, कोई 108 की लिस्ट में आते हैं, कोई 16108 की लिस्ट में आते हैं, कोई 1000 भुजाओं की लिस्ट में आते हैं, कोई 1,00,000 की लिस्ट में आते हैं, और कोई 9,00,000 की लिस्ट में आते हैं। तो ये तो परीक्षा के बाद उनको टाइटल मिला है, एक सितारे को टाइटल मिल जाता है। वो सारे मनुष्य से चुरूपी वृक्ष का पति कहा जाता है। क्या हुआ? वृक्षपति। तो जैसे कृष्ण नारायण नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, ये चारों ही शब्द एक पर्सनालिटी के द्योतक हैं या चार पर्सनालिटी अलग अलग है? एक पर्सनालिटी। ऐसे ही ध्रुव तारा और वृक्षपति ये एक ही पर्सनालिटी है, परंतु एक सितारे को वो पद मिल गया तो वो ऊंचे से ऊंचा पद जिसको मिला हुआ है वो वृक्षपति कहा जाता है। बृहस्पति पतियों में सबसे बड़ा पति। ये टाइटल शिव बाप का नहीं है। क्यों? पतियों में सबसे बड़ा पति ये टाइटल शिव बाप की आत्मा का क्यों नहीं है? है? क्योंकि आत्माओं का बाप है सिर्फ, वो सिर्फ आत्माओं के साथ उसका क्या संबंध है? बाप का संबंध है, दूसरा कोई संबंध नहीं है। दूसरे संबंध कब बनते हैं? जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं जिन्हें कहते हैं सर्व संबंध। तो शिव बाप वृक्षपति नहीं है, बृहस्पति नहीं है, पतियों का पति नहीं है। किसके लिए ये बात जाती है? बाबा के लिए जाती है। पति परमेश्वर कहते हैं, पति परमेश्वर कहते हैं, कहते हैं भक्ति मार्ग में। जितने भी पति हैं वो सब परमेश्वर नहीं है, ये तो संगम युग की बात है।
कि जो परमेश्वर की स्टेज पर स्थित होता है, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः, तो अंतर है, एक जैसा टाइटल नहीं है। और जैन सूर्य वो एक ही है ना, जैन सूर्य जिसका रूबी कहते हैं वो तो एक ही। सूर्य में कभी अंधेरा होता है क्या? कभी अंधेरा नहीं होता। लेकिन सूर्य के सामने जो भी सितारे हैं, चाहे वो नवग्रह हो और चाहे वो ध्रुव तारा हो, जो भी सितारे हैं वो सब अंधेरे और उजेले में आते हैं या नहीं आते? आते हैं। इससे साबित होता है एक ही आत्मा है जो सदैव ज्ञान सूर्य है, सोझरे वाली है। कौन? शिव बाप, बाबा नहीं, शिव बाप। वो शिव बाप प्रवेश होकर के मकर रथ में पार्ट बजाता है तो सदैव सोझरे में है, सदैव निश्चय बुद्धि का पार्ट बजाता है। कभी अंधेरा, अंधेरे का सवाल ही नहीं। इसको ग्रैंड खादा कहते हैं, ग्रैंड खादा कहा जाता है। इनको ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे, शिव तो जितने भी बाप हैं इस सृष्टि पर इंक्लूडिंग प्रजापिता, वो सब का बाप है। वो जब मुकर्र रथ में प्रवेश करता है तब ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। और धर्म पिताएं सिर्फ ग्रेट फादर फादर से हैं, महान धर्म पिताएं हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स नहीं। जैसे अभी बताया शिव ज्योति बिंदु सिर्फ आत्माओं का बाप है, दूसरा कोई संबंध बनता ही नहीं। फिर जब साकार में आते हैं तो ग्रैंडफादर भी बनता है। क्या? साकार में आते हैं तब ग्रैंडफादर है, अगर साकार में ना आए तो सिर्फ आत्माओं का बाप है, ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। प्रजापिता का अनेक बहुत जनरेशन होता है। हाँ जी बाबा, वसुदेव कृष्ण को टोकरी में भर के ले जाते हैं, वसुदेव को दिखाया है शास्त्रों में कृष्ण भगवान का बाप। क्या? भगवान को जन्म देने वाला, प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला बाप दिखाते हैं। जन्म देने वाला माने प्रत्यक्ष करने वाला। वसु कहते हैं धन संपत्ति को, वसु माने धन संपत्ति, देव माने देने वाला। तो ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला वास्तव में कौन है? शिव बाप। वो शिव बाप जो है वो सर के ऊपर टोकरी रखता है, बुद्ध रूपी टोकरी है, उस बुद्ध रूपी टोकरी में कृष्ण की आत्मा विराजमान है। कौन है वो बुद्धि रूपी टोकरी? राम वाला व्यक्तित्व, जिस राम वाले व्यक्तित्व में अधूरा चंद्रमा कृष्ण की सोल विराजमान होती है। और दिखाया है काली नदी के बीच में से गुजरता है। कैसी नदी है? गोरी नदी नहीं है,
गंगा की तरह उसकी देह अभिमानी की मिट्टी निर्लिप्त नहीं है। गंगा की मिट्टी सारे शरीर पर थोप लो और एक जगह पानी डालो, सारी बह जाएगी। और यमुना की मिट्टी इतनी देह अभिमान की चिपकनी वाली मिट्टी है कि थोड़ा भी अगर एक को किसी को चिपक गई, थोड़ा भी संग का रंग लग गया तो जल्दी छूटने वाली नहीं है। उसको विषय वैतरणी नदी के रूप में दिखाया है। कहते हैं गंगा नदी, वो यमुना नदी जब दिल्ली में आती है तो सात बड़े बड़े नाले उसमें गिरते हैं, गंदे गंदे कचरा बहाने वाले नाले। ज्ञान की भाषा में कौन है वो सात जो अधूरे नारायण है, जो दृष्टि वृत्ति का कचरा बहाने वाले हैं, जिनको कंस कोस लेता है। क्या कोस घर में डाल देता है? क्या मतलब? ज्ञान में जन्म लेकर ब्राह्मण तो बनते हैं, लेकिन कंस उसके साथ उनके साथ क्या सलूक करता है? उनके ब्राह्मणत्व जीवन को मार देता है, विभिचारी बना देता है। तो दिखाते हैं कृष्ण के सात भाई, कोस घर में कृष्ण ने कंस ने कोस लिए, उनका अस्तित्व समाप्त कर दिया। जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, फिर आठवां बच्चा पैदा होता है, उसको कंस मार नहीं पाता है। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ऐसे नहीं कि कंस प्रबंध नहीं करता है उसको मारने का, कोस घर में डालने का प्रबंध तो पूरा करता है। किसी मुरली में ये नहीं आया है कि भाइयों को सरेंडर किया जाए, आया है क्या? कन्या माताओं का तो शरीर ही ऐसा होता है आज की कलयुग की दुनिया में कि उनको संरक्षण की जरूरत है। स्त्री जाति बिना पुरुष के संरक्षण के इस दुनिया में अपने को सुरक्षित नहीं रख सकती। कोई कहे कि हम तो स्वतंत्र होके चौराहे पर जिंदगी बिताएंगे, बिताएगी? नहीं बिता सकती। तो कन्याओं माताओं के लिए तो समर्पण होना ही है, कोई न कोई का संरक्षण लेना ही है, तो क्यों न भगवान के घर में जाके संरक्षण ले, समर्पित हो जाए। बाकी भाइयों के लिए तो किसी मुरली में नहीं बोला कि भाइयों को सरेंडर होकर के रहना जरूरी है, उनको समर्पण करने की क्या दरकार? लेकिन कंस क्या करता है? ये जरासंध भी क्या करते हैं? हैं? भाइयों को भी सरेंडर करता है। ये 80 85 86 राजाओं को जेल में डाल देते हैं, वो विकारों की जेल में पड़े पड़े सड़ते रहते हैं, उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ ही नहीं सकता, बाहर की दुनिया से महरूम कर देते हैं। क्या जो जेल में आदमी पड़ा हुआ हो तो बाहर की दुनिया में क्या ज्ञान चल रहा है, कौन भगवान आया हुआ है, उनको पता चलेगा? पता ही नहीं चलता। लोग बोलते हैं ज्ञानियों को ज्ञान नहीं सुनाना है, ये सारी यहाँ की बातें शास्त्रों में लिखी हुई है। और तैयार होता है क्या? भोज भोज माने भोजा माने मददगार सहयोगी। विष्णु को भगवान कहा जाता है, माने कोई चार आत्माएं हैं इस शक्ति रंग भी रंग मंच पर, जो भोजा के रूप में भगवान की सहयोगी बनती हैं। अव्वल नंबर में
उनमें दो भुजाएं हैं लेफ्टिस्ट के रूप में और दो भुजाएं हैं राइट एक्ट के रूप में पार्टी बजाने वाली। दो भुजाएं हैं ऊंची स्टेज का पार्टी बजाने वाली और दो भुजाएं हैं नीची स्टेज का पार्टी बजाने वाली। दो भुजाएं ऊपर, दो भुजाएं नीचे, माने चार आत्माएं हैं जो चार प्रकार का पार्ट बजाते हुए भी चारों के संस्कार मिलकर के जब एक हो जाते हैं तब उसको विष्णु चतुर्भुज कहा जाता है। और वो चारों मददगार रूपी भुजाएं स्वयं संचालित नहीं होती है, क्या उनको चलाने वाला कोई एक सर्वोपरि होना चाहिए। तो कितनी आत्माएं हुई? पांच आत्माएं हुई। ब्रह्मा कितने हैं? जिस सदन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, तो पांच ब्रह्मा बता दिए। उनमें एक ब्रह्मा ऐसा है जिसका सर कलम कर दिया जाता है। सर कलम करने का मतलब है सर में रहती है आत्मा। सर कलम कर दिया मैंने आत्मा को अलग कर दिया और देह को अलग कर दिया। अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ। देहभान अलग महसूस हो और आत्मा अलग महसूस हो, ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। बाकी चार ब्रह्मा जो है वो उतनी ऊंची स्टेज को नहीं प्राप्त कर पाते, इसलिए भुजाओं के रूप में दिखाए गए हैं। फिर भी वो भुजा रूपी आत्माएं जो भगवान के कार्य में मददगार तो बनती है लेकिन मन मत नहीं चलाती या किसी मनुष्य की मत पर नहीं चलती है, एक भगवान की मत पर चलती है। इसलिए विष्णु को भुजाएं दिखाते हैं और रावण को सिर दिखाते हैं। क्यों? वो अनेक मत वाला है, भुजाएं भी उसको अनेक हैं लेकिन अनेक मत वाला है, अनेकों प्रकार की बुद्धि वाला है। तो रावण को मुख दिखाते हैं और विष्णु को सिर्फ भुजाएं दिखाते हैं। सर के रूप में एक काम करेगा, डायरेक्शन देने वाला, और बाकी भुजाएं जितने भी हजार सहयोगी हैं उन हजार सहयोगियों में सबसे ज्यादा सहयोग करने वाली चार भुजाएं, चार आत्माएं। तो महाभारत में दिखाते हैं पांडव और कौरव पासा खेलते हैं और पासा जो बाजी रखते हैं जीवित की वो एक एक हार जाते हैं, लास्ट में द्रौपदी को बाजी लगाते हैं वो भी हार जाते हैं, ये बेहद का अर्थ क्या है? ये बेहद का जुआ है या हद का जुआ है? बेहद की गैम्बलिंग है ये। बेहद की गैम्बलिंग करने के लिए भगवान ने भी इशारा दे दिया। भगवान अभी ये जुआ पांडवों से खिलवा रहा है। क्या जुआ? सारा तन धन धाम सुहद परिवार सब की बाजी लगा दो, बीबी बाल बच्चे सब इस यज्ञ में स्वाहा कर दो, मेरे नहीं है, इसके यज्ञ पिता के हैं। सोचना नहीं है इनका क्या असर होगा, जो होगा तो अच्छा होगा। तो महाभारत में यही तो दिखाते हैं, जो हुआ तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ। ये सिर्फ नंबर बनाने की युक्ति है, कौन कितना स्वाहा करता है, स्व माने अपना,
जो अपनी चीज होती है जब निकाली जाती तो हाय ये मैं से निकल गई। बच्चा हो भाई हो जो अपने तरीके से चलने वाला हो और उसको स्वाहा कर दिया तो अंदर से हाय हाय तो निकलती है। जब पांसे फेंके जाते हैं और पांडव लगातार हारते जाते हैं तो अंदर से उनको धक्का तो लगता है। अभी भी ये जुआ खेला जा रहा है। पांडव लगातार हार रहे हैं तन धन धाम स्वर्ग परिवार की बाजी या जीत रहे कौरव लगातार जीत रहे हैं अपनी बाजी अपनी मुट्ठी में रखते हैं। क्या चालाकी करते हैं चालाकी से जुआ खेलते हैं और पांडवों का सब अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं जैसे सन 76 में हुआ 76 में क्या हुआ जो सच्चे दिलवारे पंडा बाप के बच्चे थे उन्होंने तो अपना तन धन धाम क्षेत्र में विनाश होना है तो सब अर्पण कर दिया और जो चालाक कौरव थे उन्होंने क्या किया अपना तो अपने कंट्रोल में रखा ही किसी को नहीं दिया और जो पांडवों का था वो भी अपनी मुट्ठी में ले लिया। ये जुआ अभी भी चल रहा है बेसिक में हद में चल रहा था और अभी और ही बेहद में चल रहा है। इसलिए जो क्षत्रिय राजाएं हैं उनमें ये परंपरा चली आ रही है कि अगर जुए का निमंत्रण मिले युद्ध करने का कोई आवाहन करे चाहे वो जुए का युद्ध हो और चाहे वो स्थूल युद्ध हो मना नहीं करेंगे। आओ भाई अब वो हद का जुआ तो है नहीं बेहद की बात है। हद का कोई हिंसक युद्ध तो है नहीं ये तो बेहद का ज्ञान और अज्ञान का युद्ध है। और बाबा हाथ उठाओ हाथ कितना की फौलगी हाथ उठा के बोलो हाँ राम की फौलगी आत्मा सीता कृष्ण की फौलगी आत्मा राधा और कौन कौन है कौन कौन है का मतलब नाम बताएं उनका फोटो दिखाएं। हाँ हाँ राम की सहयोगी सारी दुनिया जानती है। राम का जीवन में सबसे जास्ती सहयोग देने वाली आदि में भी सहयोगी अंत में भी सही होगी तो कृष्ण की राधा दिखाई जाती है। कृष्ण 16 कला संपूर्ण और राम फेलियर राम 14 कला वाला राम और कृष्ण दोनों के बीच में पहले फेल कौन होता है राम पहले फेल होता है कृष्ण बाद में फेल होता है कौन से सन में कृष्ण फेल कब हुआ हैं 58 में कृष्ण का फेल्योर और राम यज्ञ के आदि में ही फेल हो गया तो ज्यादा अनुभवी कौन बना है? राम वाली आत्मा पहले अनुभवी बनी फेल होने की अनुभवी बन गई तो राम के साथ सीता दिखाई गई। राम फेल होगा तो सीता फेल नहीं होगी वो भी फेल होती और कृष्ण के साथ राधा दिखाई जाती है। राधा महारानी कही जाती है और कृष्ण के साथ जो भी रानियां दिखाई जाती हैं उनमें बड़ी रानियां सब पट रानियां बनती हैं महारानी कोई भी नहीं बन पाती।
क्यों? क्योंकि सब पुरुषार्थ करते करते अंत में पट्ट में जाकर गिरती है, देह अभिमानी की मिट्टी में मिल जाती है, धराशायी हो जाती है। इसलिए उनको कहते हैं पट्ट रानियां। लेकिन राधा पट्ट रानी नहीं बनती, उसका टाइटल है महारानी का। राधा है एक और पट्ट रानियां हैं अनेक। तुम सब राधाएं हो ये नहीं कहा कभी मुरली में। क्या बोला? तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो। द्रौपदियों की लाज हरण दुर्योधन दुशासन करते हैं। तुम सब मीराएं हो। मीरा क्या पीती है? विषय वासना का राणा ने विष पिलाया, निंदा कराई। तो राधा है एक और सीताएं, द्रौपदियां, मीराएं, मीराएं हैं अनेक। हाँ, पांडव को तीन प्राइज नहीं मिलता है। कोई भी प्राप्ति और कोई भी प्रकार की अप्राप्ति जीवन में होती है, उसका मूल कारण क्या होता है? हैं? मान लो कौरवों को महल माणियां अटारियां राज्य वगैरह सब कुछ मिला और पांडवों को तीन पैर पृथ्वी नहीं मिली। कोई भी प्रकार की प्राप्ति हो जीवन में, कोई भी प्रकार की अप्राप्ति हो जीवन में, इसका कारण क्या होता है? है? पूर्व जन्म के किए हुए कर्म। क्या कर्म जो है वो प्राप्ति और अप्राप्ति कराते हैं। ये कर्म का उदय होता है ब्राह्मणों की संगम भी दुनिया में भी। पूर्व जन्म में कोई ऐसे कर्म किए हैं, बड़े बड़े राजाएं हुए हैं हिस्ट्री में, प्रजावर्ग की आत्माएं ज्यादा पाप करती थी या राजाएं ज्यादा पाप करते थे? जितना बड़ा तबके वाला होगा उतना ज्यादा पाप करने वाला होगा। प्रभुता पाहि काहि मदनाई, किसी को ऊंची कुर्सी मिलती है इस दुनिया में तो अहंकार जरूर पैदा होता है। तो ये जो 108 राजाएं हैं, रुद्रमाला के मणके हैं, ये सब नंबरवार पांडवों की लिस्ट में हैं। पंडा पुत्र हैं, इन्होंने पूर्व जन्मों में जाने कितनों को अपने राज्य में से खदेड़ के बाहर कर दिया। उन्होंने भीख मांगी हमारे बाल बच्चों के लिए रहने के लिए, एक झोपड़ी की जगह तो दे दो, और अहंकार में आकर के उनको नहीं दिया। स्वदेशी राजा तो ऐसा नहीं करेगा, विदेशी राजा ही करेगा। चाहे स्वदेशी राजाएं हो चाहे विदेशी राजाएं हो, स्वदेशी ज्यादा पतित बने हैं या विदेशी ज्यादा पतित बने? ज्यादा तमो प्रधान स्वदेशी बने हैं या विदेशी बने हैं? ज्यादा पाप भारतवासियों ने कमाया है या विदेशियों ने कमाया है? क्यों? वो तो बाद में आया है। नहीं, जो जितना बड़े बाप का बच्चा होता है वो पाप करता है तो भी बड़े से बड़ा पाप करता है, और पुण्य करता है तो भी बड़े से बड़ा पुण्य करने की ताकत रखता है। इसलिए द्वापर युग से कलयुग अंत तक जितने भी बड़े बड़े राजाएं महाराजाएं हुए,
उन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं और वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। पता नहीं कितनों को धक्के दिए होंगे राज्य में से। तो जिन जिन को धक्के दिए हैं, सच्ची बात बोलने वाले होंगे तो भी उनको धक्का दिया। तो अभी लास्ट जन्म में हिसाब किताब पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सबको बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया से देश निकाला मिला है। कुछ थोड़े बहुत ऐसे हों जिनको देश निकाला न मिला हो, उससे साबित होता है कि उन्होंने अभी तक सेवा के फील्ड में एडवांस में आए हुए बाप का परिचय ही नहीं दिया है। अगर वहां रह करके परिचय देना उनके सामने शुरू करेंगे तो जरूर एक दो तीन कर देंगे। तो पांडवों ने ऐसा क्या किया जो उनको देश से निकाला मिला? तीन पैर प्रति भी नहीं मिली। और आगे भी कोई कहे कि बेसिक में तीन पैर प्रति भी नहीं मिली, लेकिन अभी एडवांस में तो बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं, ढेर के ढेर मिनी मधुबन बनते जा रहे हैं, तो तीन पैर पृथ्वी तो क्या, यहाँ तो महल मानिया अटारियां बन गई। उसका जवाब ये है कि अभी पांच पांडव प्रत्यक्ष हो गए हैं, यह सिर्फ पांच पांडवों का बाप पांडु प्रत्यक्ष हुआ है, पांडु प्रत्यक्ष हुआ है। अभी पांच पांडव प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं पूरे। जो बाप के जीवन में चले वो बच्चों के जीवन में भी चलना है, क्योंकि यहाँ नियम है बेगर टू प्रिंस बनेंगे। जो यहाँ प्रिंस बनेंगे वो राजा बनेंगे, प्रिंस ही नहीं बनेंगे तो राजा भी नहीं बनेंगे। लेकिन प्रिंस कब बनेंगे? जब बेगर बनेंगे। तन धन धाम स्वर्ग परिवार संपर्की संबंधी सबकी ताकत की बाजी लगाएंगे, माना जुआ खेलेंगे, पत्नी पत्नी नहीं, पति पति नहीं, बच्चा बच्चा नहीं, बेटी बेटी नहीं, बाप बाप नहीं, पूरी परीक्षा ली जाएगी। ऐसे नहीं एक बाप की ही परीक्षा होती है, जो बाप की परीक्षा वो बच्चों की भी परीक्षा होती है। इसलिए बोला कि बाप की इस समय ये हालत है कि भले मिनी मधुबन खुले हुए हैं, मल्टी स्टोरी, लेकिन बाप को तीन पैर पृथ्वी अभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं मिली हुई, एक ठिकाना जमा करके नहीं रह सकता। रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। उसके लिए शास्त्रों में गायन है, कृष्ण भगवान भगवान तो थे। यहाँ भी लोग प्रश्न करते हैं, अरे तुम्हारा भगवान है तो भागा भागा क्यों फिरता है? तो तुरंत जवाब देना चाहिए, अरे कृष्ण भगवान कंस के डर से भागे भागे फिरते थे कि नहीं? गाँवों गाँवों में फिरते थे। तुम्हारे शंकर भगवान
भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागे भागे फिरे कि नहीं फिरे? फिरे। तुम्हारे राम भगवान रावण के डर से कांटों के जंगलों में मारे मारे फिरे कि नहीं फिरे? फिरे। तो वो ही शूटिंग हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है, 5-8 साल पहले भी हुआ था और अभी हो रहा है। ऐसे नहीं कि पंडा पांडु बाप के जीवन में ही ये होता है, जो पांडु के बच्चे पांडव 5 पांडव हैं, थोड़े से उंगलियों पर गिने जाने योग्य, उनके जीवन में भी ये परिस्थितियां ये आवेंगी ही। बाबा 5 पंडित क्यों बताया गया है, उससे ज्यादा कमती के लिए बताया है? कहते हैं 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, सबसे ज्यादा ताकतवर ये है। हाँ, जब किसी को चढ़ाना होता है तो कहते हैं सिंगत्ता। माने भारत देश जो सब देशों का बाप है, माता पिता का देश है, वो सोने की चिड़िया है, किसी एक के कंट्रोल में सदाकाल नहीं रह सकती। फिर और भी पांडव हैं, उनका नाम अलग अलग तरीके से दिया है, कोई भीम है। क्या विशेषता भीम की दिखाई? 100 कीचकों को अकेले मार डाला। कीचकों की परिभाषा मुरली में बताई है, कीचक माने गंदे डर्टी ब्रूट्स, जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं, कोई न कोई बहाना बनाएंगे और उनके पीछे पड़ जाएंगे। ऐसे गंदे डर्टी ब्रूट्स को भीम ने अकेले ही मार गिराया। और कहते हैं कौरव कितने थे? 100 कौरव, और 100 कौरवों का वध अकेले भीम ने किया।